हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 508 का है, एमसीक्यू का वीडियो है। और अगर हम यूनिट की बात करें तो 9 एंड 10 यूनिट को हमने कंबाइन किया है, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि वीडियो जो है थोड़े बड़े लाए जाएँ। तो चलिए फिर देख लेते, सबसे पहले 9 यूनिट का ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है और आपको गेस करने का मौका भी, टाइम भी दिया जाएगा। तो आप ऑप्शन को देखिए और आंसर गेस करिए। निम्नलिखित में से कौन से कारक शारीरिक शिक्षा के लाभ में शामिल हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे कारक हैं जो शारीरिक शिक्षा के लाभ में शामिल हैं। बढ़ा हुआ स्वास्थ्य स्तर, उन्नत गत्यात्मक विकास, अधिक सक्रिय जीवनचर्या के प्रति झुकाव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि शारीरिक शिक्षा के लाभ में कौन कौन से कारक शामिल हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका घ, यानी उपरोक्त सभी। बढ़ा हुआ स्वास्थ्य स्तर, उन्नत गत्यात्मक विकास और अधिक सक्रिय जीवनचर्या पर झुकाव, ये सभी जो कारक होते हैं शारीरिक शिक्षा के लाभ में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शारीरिक रूप से बच्चों को विकसित करना, बच्चों को सामाजिक रूप से समर्थ बनाना, बच्चों को संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका घ, यानी कि शारीरिक रूप से बच्चे को विकसित करना, सामाजिक रूप से समर्थ बनाना और संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना, ये सभी उद्देश्य होते हैं शारीरिक शिक्षा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर घ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं कि व्यक्तित्व विकास का अर्थ है व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बाह्य और आंतरिक समृद्धि और श्रृंगार लाना। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। व्यक्तित्व विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बाह्य और आंतरिक समृद्धि में श्रृंगार लाना या परिवर्तन लाना ही व्यक्तित्व विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तंत्रिका मांसपेशी समन्वयन तथा सहन शक्ति के अलावा स्वच्छता किन घटकों को धारण करता है? तंत्रिका मांसपेशी समन्वयन एवं सहन शक्ति के अलावा जो स्वस्थता होता है किन घटकों को धारण करता है? ताकत को, लचीलापन को, गति को, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन आपके सामने है और आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा जहां तक मेरा ख्याल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी घात, ताकत, लचीलापन और गति, जो ये घटक होते हैं इन सभी को धारण करता है स्वस्थता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि सहन शक्ति का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश के रोगों से बचाने में सहायता करता है। तो इसका जो यहाँ पे होगा वो हृदय हो जाएगा कि सहन शक्ति का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हृदय रोगों से बचाने में सहायता करता है, ठीक है। रिक्त स्थान भरे, अधिकांश खेलों में अंक अर्जित करने में डैश सहायता कर शारीरिक सहायता करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ताकत होगा कि ताकत अधिकांश खेलों में अंक अर्जित करने में सहायता करता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थान और देख लेते हैं कि अभ्यास डैश बनाता है, तो अभ्यास क्या बनाता है, निपुण बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको गेस करना और बताना है। चलिए, इन सब में एक गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का एक लक्षण नहीं है। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन नीचे दिए हैं इनमें गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा जो होती है इसका एक लक्षण नहीं है। पहला है, यह सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास को प्रोन्नत करता है। तीसरा, यह विद्यार्थियों को बदला लेना सिखाता है। और चौथा, यह व्यक्तिगत कौशलों को विकसित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है। गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्षण नहीं है, बहुत ही आसान है इसका और आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, राइट आंसर ग हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को बदला लेना सिखाता है ये उसका लक्षण नहीं है, बल्कि सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास को प्रोन्नत करता है, भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, व्यक्तिगत कौशलों को विकसित करता है, ये सभी लक्षण है आपके गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य मानसिक और संवेदनात्मक लाभ है जो शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलन के माध्यम से प्राप्त होते हैं? अब आपको बताना है कि सामान्य मानसिक और संवेदनात्मक लाभ कौन कौन से हैं जो शारीरिक गतिविधियों में सम्मिलन के माध्यम से होते हैं। संबंधित मनोदशा, दूसरा है संबंधित स्मृति, तीसरा है संबंधित स्वाभिमान, चौथा है उपरोक्त सभी।
सामान्य मानसिक और संवेदनात्मक लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है, जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संबंधित मनोदशा, स्मृति और स्वाभिमान, ये सभी क्या होते हैं, संवेदनात्मक लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही या गलत के आध्यात्मिक ज्ञानोदय अंतरंतम के उद्घाटन की एक प्रक्रिया है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? गुणवत्ता युक्त जो शारीरिक शिक्षा है कार्यक्रम, उसके क्या लाभ है? स्व अनुशासन, कौशल विकास, नेतृत्व और सहयोग, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के क्या लाभ है गुणवत्ता युक्त, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि स्व अनुशासन, कौशल विकास, नेतृत्व और सहयोग, ये सभी जो होते हैं गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लाभ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप ये चलिए ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। संकल्पनात्मक उपागम विद्यार्थियों को स्वतंत्रता पूर्वक क्रियाओं, परिणामों के संबंधों का अन्वेषण एवं खोज करने की स्वतंत्रता देता है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण एक गुणवत्ता युक्त शारीरिक कार्यक्रम से संबंधित है? ऐसे कौन से लक्षण है जो गुणवत्ता युक्त शारीरिक कार्यक्रम से संबंधित है? सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास को प्रोन्नत करना, समस्या समाधान कौशलों की अपेक्षा करना, और उपरोक्त सभी। तो गुणवत्ता युक्त शारीरिक कार्यक्रम से संबंधित है ये सभी लक्षण दिए हैं, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अघा, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि भागीदारी, सक्रिय भागीदारी हो तो उसको प्रोत्साहित करना, और सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास को आगे बढ़ाना, समस्या समाधान कौशलों की अपेक्षा करना, ये सभी लक्षण होते हैं किसके, गुणवत्ता युक्त शारीरिक कार्यक्रम के। आंतरिक खेल शब्द की उत्पत्ति किन लैटिन शब्दों से हुई है? आंतरिक खेल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है आपको यहाँ पे बताना। इंट्रोमोरोस से, इंट्रोवाल से, इंट्रोप्ले से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। आंतरिक खेल शब्द की उत्पत्ति, ठीक है ना, और किस भाषा से, तो देखिए लैटिन भाषा से हुई है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो लैटिन भाषा याद रखिएगा, लैटिन और ग्रीक दो भाषाएं होती है जनरली, तो लैटिन भाषा से हुई है। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से किससे हुई है, तो इसका राइट आंसर खा हो जाएगा, यानी इंट्रोबॉल से हुई है आंतरिक खेल शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लैटिन शब्द इंट्रोमोरस का अर्थ है, जो लैटिन शब्द है इंट्रोमोरस उसका क्या अर्थ है, यानी कि घर के अंदर, दीवारों के अंदर, टीम के अंदर, इनमें से कोई नहीं। इंट्रोमोरस, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दीवारों के अंदर। ओके, रिक्त स्थान भर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आंतरिक खेल डैश को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तंदुरुस्ती को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और आंतरिक खेल विद्यार्थियों में डैश नेतृत्व और डैश विकसित करने के एक अवसर है। तो देखिए आंतरिक खेल विद्यार्थियों में चरित्र, नेतृत्व और खेल भावना विकसित करने के एक अवसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही या गलत देख लेते हैं कि सामान्य रूप से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय है वे शैक्षिक रूप से अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए आपको देना है। और क्वेश्चन है कि एक आंतरिक खेल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, एक आंतरिक खेल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, तो कार्यक्रम की संरचना का निर्धारण करना चाहिए, वित्तीय संसाधनों पर विचार करना और बजट बनाना, प्रत्येक इवेंट्स के विवरणों की योजना करना, और उपरोक्त सभी। तो आंतरिक खेल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा घा, यानी उपरोक्त सभी। कार्यक्रमों की संरचना का निर्धारण करना, संसाधनों पर विचार करना, बजट बनाना, और जो इवेंट आप करेंगे उनके विवरणों की योजना करना, ये सभी करने पड़ेंगे आपको आंतरिक खेल कार्यक्रम करने के पहले। बाह्य खेल की अच्छाई कौन सी नहीं है, ठीक है ना, बाह्य खेल की अच्छाई कौन सी नहीं है, यानी इसके गुण कौन से नहीं है। यह समान संस्था के विद्यार्थियों में एकता सृजित करता है, यह टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को उत्तरदायी बनाता है, खिलाड़ियों में बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है, या यह विद्यार्थियों के लिए कैरियर अवसरों को प्रदान करता है। अच्छाई कौन सी नहीं, इसके गुण कौन से नहीं है, इसको आपको बताना है। तो फिर इसका जो राइट आंसर है आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गा, यानी खिलाड़ियों में बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक तनाव हो सकता है, इसकी अच्छाई नहीं, किसकी, बाह्य खेल की।
फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो आपका ये अगला क्वेश्चन है आपका यूनिट 10 से है। अभी हम यूनिट 9 के एमसीक्यू ले रहे थे, अब यूनिट यानी इकाई 10 ले लेते हैं 10 का। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ योजना के कितने चरण होते हैं? 5, 4, 3, 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। तो इसके इसका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा, यानी पाठ योजना के 3 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ से पूर्व की तैयारी करते समय विषय वस्तु सूचीबद्ध है कि अतिरिक्त किन बातों पर ध्यान देते हैं? लक्ष्य निश्चित है, विषय निश्चित है, विद्यार्थी का प्रवेश स्तर निश्चित है, उपरोक्त सभी। पाठ से पूर्व की तैयारी करते समय यानी पाठ को पढ़ाने के पहले जो पूर्व तैयारी की जाती है, विषय वस्तु किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो उपरोक्त सभी, यानी कि लक्ष्य निश्चित है, विषय निश्चित है, विद्यार्थियों का प्रवेश स्तर निश्चित है, ये सभी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं पाठ से पूर्व का, ठीक है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पाठ योजना से संबंधित है? कौन सा चरण जो पाठ योजना से संबंधित है? पाठ से पूर्व की तैयारी, पाठ योजना और कार्यान्वयन, अध्याय के पश्चात की गतिविधियां, पाठ योजना के सिद्धांत। देखिए कौन सा चरण पाठ योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा, यानी पाठ योजना के जो सिद्धांत हैं ये आपके पाठ योजना से संबंधित होते हैं, ठीक है। क्योंकि पाठ अध्याय के पश्चात की गतिविधियां ये पाठ योजना के बाद की हो जाएगी, पाठ योजना और कार्यान्वयन ये भी बात का, पाठ से पूर्व की तैयारी यानी पाठ के पहले का हो जाएगा, तो पाठ योजना से संबंधित है वो है पाठ योजना के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अध्याय के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? अध्याय के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? उत्साह बढ़ाना, औपचारिक गतिविधियां, मनोरंजनात्मक गतिविधियां, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा चलिए देख लेते हैं। तो अध्याय के पश्चात कौन सी गतिविधियां की जाती हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी उत्साह बढ़ाना, औपचारिक गतिविधियां और मनोरंजनात्मक गतिविधियां जो होती हैं सभी की जाती हैं अध्याय के पश्चात। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सभी पाठों के लिए सर्वमान है? कौन सा सिद्धांत सभी पाठों के लिए सर्वमान है? उत्साह बढ़ाना, सुव्यवस्थित विकास, आयु और लिंग, उपरोक्त सभी। सभी पाठों के लिए सर्वमान है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, उत्साह बढ़ाना, सुव्यवस्थित विकास, आयु और लिंग, ये सभी पाठों के लिए सर्वमान होते हैं। सही या गलत देख लेते हैं कि पाठ कोमल व्यायामों से प्रारंभ होना चाहिए, धीरे धीरे कठिन व्यायामों में बदलना चाहिए। बिल्कुल सही, स्टार्टिंग हल्के से होनी चाहिए, देन उसके बाद उसका टाइम बढ़ा के आप कठिन अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान भर लेते हैं, व्यायाम के पश्चात शरीर को डैश स्थिति में लाया जाता है, तो व्यायाम के पश्चात शरीर को जो है समान स्थिति में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, और वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी शिक्षण विधियां प्रयुक्त होती हैं? ऑप्शन आपके सामने, पहला है आदेश विधि, दूसरा है निरूपण विधि, तीसरा है दर्पण विधि, चौथा है उपरोक्त विधि सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, तो राइट आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आदेश विधि, निरूपण विधि और दर्पण विधि, ये तीनों विधियां होती हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षण की कौन सी विधि सभी विधियों में सर्वोत्तम मानी जाती है? शारीरिक शिक्षा के शिक्षण की कौन सी विधि सभी विधियों में सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी जो हमने विधियां देखी हैं उनमें से आदेश विधि, निरूपण विधि, संपूर्ण खंड संपूर्ण विधि, दर्पण विधि। तो देखिए शारीरिक शिक्षा के शिक्षण की जो विधि होती है उनमें से सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो है वो संपूर्ण खंड यानी संपूर्ण विधि मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संपूर्ण खंड संपूर्ण विधि बच्चों के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि वे जटिल तकनीकी कौशल में पूर्णतया नहीं चाहते, या इस विधि में बहुत अधिक समय लगता है, केवल का सही है, का और खा दोनों ही। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा खा, यानी का और खा दोनों ही सही है, क्योंकि जटिल तकनीकी कौशल में पूर्णतया नहीं चाहते और विधि में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं, निरूपण विधि डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो निरूपण विधि देखिए अनुकरण के द्वारा अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, ओके। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि गतिविधि या कौशल की स्पष्ट तस्वीर संचारित करने में सबसे सामान्य प्रभावी साधन प्रदान करती है?
निरूपण विधि, संपूर्ण अखंड, संपूर्ण विधि, आदेश विधि, दर्पण विधि। कौन सी ऐसी विधि या गतिविधि है जो कौशल की स्पर्श तस्वीर संचारित करने में सबसे समान और प्रभावी साधन प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा का, निरूपण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक अरुचिकर और शिक्षण की उबाऊ शैली है? कौन सी विधि एक अरुचिकर और शिक्षण की उबाऊ शैली है? दर्पण, निरूपण, आदेश, संपूर्ण खंड, संपूर्ण विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आदेश विधि। आदेश विधि जो है ये एक अरुचिकर और शिक्षण की उबाऊ शैली है, उबाऊ विधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधि के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गतिविधि पर तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कौन सी शिक्षण की विधि मेथड है जिस पे स्टूडेंट को फीडबैक जो है तुरंत मिल जाता है? आदेश, दर्पण, निरूपण, संपूर्ण खंड, पूर्ण विधि, सॉरी संपूर्ण खंड, संपूर्ण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण विधि। दर्पण विधि ऐसी विधि होती है जिसमें स्टूडेंट को तुरंत फीडबैक मिल जाता है। किस विधि में सृजनात्मकता और व्यक्तिता उन्नत नहीं करती है? किस विधि में सृजनात्मकता और व्यक्तिता उन्नत नहीं करती? निरूपण में, आदेश में, दर्पण में, संपूर्ण खंड, संपूर्ण विधि में। तो राइट आंसर हो जाएगा आदेश विधि में, यानी आदेश विधि के उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। बच्चे इस विधि को ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं कि कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए एक आदर्श विधि है जहां वे अपने शरीर के अंगों को जानते हैं? तो देखिए दर्पण विधि है। और ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं कि आंतरिक गतिविधियां ऐसी प्रतियोगिताओं से संबंध हैं जो उनकी संस्था के खिलाड़ियों के बीच आयोजित होती हैं। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक आंतरिक गतिविधियों को संचालित करते हैं? ऐसे कौन से कारक है जो आंतरिक गतिविधियों को संचालित करते हैं? भूगोल, जलवायु, संस्थान का प्रकार या उपरोक्त? सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आंतरिक कारक जो है गतिविधियों को संचालित करते हैं, उपरोक्त सभी यानी भूगोल, जलवायु और संस्थान के प्रकार। फिर इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कि बाह्य प्रतियोगिताएं डैश या डैश से अधिक संस्थानों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो दो यानी बाह्य प्रतियोगिताएं दो या दो से अधिक संस्थान के खिलाड़ियों के बीच आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्थान में आंतरिक प्रतियोगिता सीमित निम्नलिखित में से कौन से कार्य संपादित करती है? ऑप्शन है आपका नियम कानून, प्रतियोगिता की सूची, कार्यक्रम का विवरण, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सही या गलत, बाह्य गतिविधियां विद्यार्थियों को उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने और सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता करती हैं। तो बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रिक्त स्थान भर लेते हैं कि व्यायाम एक समान डैश शरीर की गतियां हैं, तो व्यायाम एक समान सामूहिक शरीर की गतियां हैं। और इसी तरह से सुसाधक के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो देखिए सुसाधक के रूप में विद्यार्थियों को मूल्यांकित करना, अधिगम की योजना बनाना, योजना को लागू करना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सुसाधक के रूप में शिक्षक जो है विद्यार्थियों को मूल्यांकित करता है, अधिगम की योजना बनाता है, योजना को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में सुबह की सभा क्यों महत्वपूर्ण है? जो प्रेयर होते हैं वो क्यों जरूरी है? यह नियमित और पाबंद बनाता है, यह सह शैक्षिक गतिविधियों का क्षेत्र प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को विकसित करने में सहायक है, या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि जो मॉर्निंग में प्रेयर होती है वो क्यों जरूरी है। तो राइट आंसर घा यानी उपरोक्त सभी, यानी कि नियमित और पाबंद बनाता है सही टाइम पे, और सही शैक्षिक गतिविधियों का क्षेत्र प्रदान करता है, विद्यार्थियों में अच्छी आदतों को विकसित करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे व्यथित होते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता और प्रतिभा संपन्नता की स्वीकृति का अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट यानी सही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए आपका यूनिट 9 एंड यूनिट 10 से। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में कमेंट्स भी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं इसका PDF का लिंक दे दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।